कि मूल जानना बड़ा कठिन है, नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता, रणधीरों का। तो 1000 वर्ष पहले, 987 वर्ष पहले एक महान पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन हुआ था बहराइच की धरती पे, महाराज सुहेलदेव के द्वारा किया गया। महोदय, मैं देख करके ताज्जुब करता हूं। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि महापुरुषों को भी कैसे लोग किस रूप में जोड़ने का प्रयास करते हैं। महाराज सुहेलदेव देश के लिए लड़े थे, मातृभूमि के लिए लड़े थे, उनका शौर्य पराक्रम को नमन है, उनकी स्मृतियों को नमन है। महाराज सुहेलदेव के शौर्य पराक्रम के सामने आक्रांता पूरी तरह परास्त ही नहीं हो गए थे। 150 वर्षों तक भारत पर कोई विदेशी हमलावर हमला करने का तो साहस नहीं कर पाया। और मुझे महाकवि दिनकर की पंक्तियां भी याद आने लगती है, जिन्होंने बहुत पवित्रता के साथ कहा था कि मूल जानना बड़ा कठिन है, नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता, रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल। महाकवि दिनकर ने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया।